हेलो फ्रेंड्स, समिट प्रोड्यूस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग नोबेल प्राइज 2020 में जिन्हें दिया जाएगा उसकी घोषणा की जा चुकी है तो उनके बारे में ही पढ़ेंगे, क्योंकि यह जीके रिलेटेड एग्जाम्स जो हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम्स में एक क्वेश्चन, कम से कम एक क्वेश्चन जरूर होता है, तो यह कुछ समय का है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस पर एक सवाल जरूरी होता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, PPSC, UPSC, SSC या कोई भी PCS एग्जाम्स हो, किसी में भी इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। चलिए तो इसको शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम लोग इसका थोड़े से हिस्ट्री में जाते हैं कि ये किन की याद में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। यह उन लोगों को दिया जाता है जो दुनिया की प्रगति में और शांति के लिए जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। यह कई क्षेत्रों में दिया जाता है, जैसे मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स। कुल मिलाकर 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। पहले तो यह 5 क्षेत्रों में ही दिया जाता है, बाद में 1968 में से 6 क्षेत्रों में दिया जाने लगा, मतलब अर्थशास्त्र एक जुड़ा गया और उसे में दिया गया। यह कई बार लोगों के साथ साथ संस्थाओं को भी दिया जाता है, वो हम लोग आज इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि इस बार किस संस्था को दिया गया है, कौन कौन से व्यक्तियों को दिया गया है, किस रिसर्च के कारण दिया गया है। तो ये जो अल्फ्रेड नोबल थे, इनका जन्म 1833 में हुआ था, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में। इनकी माता का नाम कैरोलिन था और पिता का नाम इमैनुअल था। इनके पिताजी पहाड़ों से पत्थरों को तोड़कर पुल बनाने का काम करते थे, लेकिन बाद में 1842 में जब स्वीडन में काम मिलना बंद हो गया तो ये रशिया चले गए। रशिया में इन्हें गन पाउडर बनाने का एक काम मिला। गन पाउडर होता है जिसमें बारूद, कुछ केमिकल्स वगैरह मिलाकर, केमिकल के मिक्सर मिलाकर विस्फोटक तैयार किया जाता है। धीरे धीरे इन्होंने वहाँ गन पाउडर का एक कंपनी खड़ी कर दिया। ठीक उसी समय क्रीमिया का युद्ध होने वाला था, तो इनका जो बिजनेस था वो ज़्यादा बढ़ गया। बाद में क्रीमिया के युद्ध खत्म होने के बाद लगभग 1850 में, जब यह 16-17 वर्ष की उम्र के थे, तो इन्हें मीन्स अल्फ्रेड नोबल को जर्मन, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन जो भाषाएं थी उनकी अच्छी पकड़ बन गई थी। इसके साथ साथ केमिस्ट्री के बहुत ही अच्छा इनको ज्ञान हो गया था। तो इनके पिताजी ने इन्हें पढ़ने के लिए, क्योंकि ये बहुत लगनशील थे, तो इन्हें पढ़ने के लिए अमेरिका भेज दिया। अमेरिका में से पढ़ाई करने के बाद यह वापस लौट गए पेरिस। पेरिस में इन्होंने एक स्क्लेंड्रो नाम के व्यक्ति से मिले और वो आदमी 3 साल पहले नाइट्रोग्लिसरीन नामक एक विस्फोटक को तैयार किया था। उनसे मिलकर उन्होंने नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में जाना और समझा। उन्होंने देखा कि नाइट्रोग्लिसरीन को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है, इसे कहीं इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता है, क्योंकि यह कहीं भी ब्लास्ट हो जाता था। तो कुछ समय के बाद जब रशिया में इनके पिता इमैनुअल को काम मिलना बंद हो गया तो ये भी स्वीडन ही लौट आए अपने पिता के साथ, और यहां पे नाइट्रोग्लिसरीन का जो सैंपल लेकर आए थे, नाइट्रोग्लिसरीन का एक सैंपल लेकर आ गए थे, तो नाइट्रोग्लिसरीन का जो सैंपल लेकर आए थे उस पर रिसर्च करना शुरू किया। रिसर्च करते करते 1864 में इनके छोटे भाई की मौत हो गई नाइट्रोग्लिसरीन के स्फोट होने के कारण। नाइट्रोग्लिसरीन गन पाउडर से भी ज्यादा विस्फोटक था। इनके भाई की मृत्यु होने के बाद इनके पिताजी ने उस पर रिसर्च करना बंद कर दिया, लेकिन अल्फ्रेड नोबल इस पर काम करते रहे। स्वीडन के सरकार भी शहर में इस तरह के लैब बनाने पर प्रतिबंध लगा दिया।
तो इन्होंने शहर से बाहर जाकर एक लैब विकसित किया और वहां पे नाइट्रोग्लिसरीन पे रिसर्च करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे इस विस्फोटक का मांग बहुत तेजी से बढ़ने लग गया, क्योंकि इन्होंने जो इसे बनाया था वो अच्छे काम के लिए, सकारात्मक रूप से बनाने के लिए काम किया था। लेकिन कई जगह इसका दुरुपयोग होने लगा, कई बार लोगों की मृत्यु हो जा रही थी इस स्फोट में। इन्हें तब लोगों ने मौत का सौदागर नाम दिया या मौत के व्यापारी के रूप में इन्हें कहा जाने लगा। तो इनके ही याद में, अल्फ्रेड नोबल के ही याद में यह नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबल की याद में दिया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत 1901 से किया गया, 1901 से। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स। अब हम लोग धीरे धीरे देखते हैं कि यह पुरस्कार किन को दिया गया इस बार 2020 में। ठीक है, इसको मिटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार 2020 में किसे दिया जाएगा। नोबेल पीस प्राइज 2020 में WFP को दिया जाएगा, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को। यह व्यक्ति नहीं बल्कि एक संस्था है जो कि भुखमरी मिटाने और खाद्य सामग्री पहुंचाने, खाद्य सुरक्षा सामग्री पर केंद्रित एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है, एक संस्था है जिसे इस बार नोबेल पीस प्राइज दिया जाएगा। तो क्यों दिया जाएगा? भुखमरी मिटाने के क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने हेतु WFP को 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाएगा। यह संयुक्त राष्ट्र का एजेंसी है और इसका एस्टेब्लिशमेंट 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? रोम, इटली में है। ठीक है, उद्देश्य क्या था इसका? उद्देश्य है विश्व भर में युद्ध या अन्य आपात स्थितियों में जरूरतमंदों को तक खाद्य सामग्री पहुंचाना, इसका उद्देश्य है। अब देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। जैसे नोबेल शांति पुरस्कार, शांति है यहां पे लिखा हुआ, शांति, सपोज दैट, तो किसे दिया गया? एक ऐसी संस्था जो खाद्य सामग्री यानी खाने के सामान, पीने के सामान जो पहुंचाती है, उसको दिया गया। सपोज करते हैं कि कोई बच्चा है, कोई छोटा सा बच्चा है जो बहुत रो रहा है, ठीक है। अब उसे शांत करने के लिए क्या करेंगे? उसको दूध का बोतल दे दिया हमने, दूध का एक बोतल दे दिया तो वो शांत हो जाएगा, पीने लग गया, शांत हो गया। तो भूख मिटाने के लिए, भूख से रोता है बच्चा, अगर भूख मिटाने के लिए उसको दूध दे दिया तो वो चुप हो गया। तो शांति पुरस्कार किसे मिला? WFP को, जो कि एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इटली, रोम, इटली में। इसका गठन कब हुआ था? 1961 में, भुखमरी मिटाने और खाद्य सुरक्षा पर केंद्रित एक एजेंसी है। नेक्स्ट है साहित्य नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, यह किन्हें दिया गया? साहित्य के क्षेत्र में लुइस ग्लुक नाम की एक कवित्री, जो अमेरिकी कवित्री है, जो अपनी सुरीली आवाज के लिए साहित्य नोबेल पुरस्कार इन्हें 2020 का दिया गया। इनकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है अवेर्नो नाम की बुक है, जो अवेर्नो नाम की बुक 2006 में आई थी। इससे इनको सबसे ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी और बाद में 2020 में इन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया। अब इसे याद कैसे रखेंगे? इनका क्या नाम है? इनका नाम है लुइस ग्लुक। ग्लुक का अर्थ होता है ग्लू, हम लोग जानते हैं ग्लू मतलब चिपका कर रखना, मतलब एक जहां पे है वहीं पे स्थिर कर देना, रोक देना। तो इनकी इतनी अच्छी सुरीली आवाज है इस कवित्री की कि अपने दर्शकों को ग्लू की तरह चिपका कर रखते हैं। इन्हें याद करना है, इमोशनल नहीं होना है। याद करने के लिए लिटरेचर का किन्हें दिया गया? लुइस ग्लुक को दिया गया। किन्हें? लुइस ग्लुक को। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा भौतिकी का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स तीन लोगों को दिया गया, किन किन को? रोजर पेनरोस, रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज। किनको किनको दिया गया? रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजिल, रेनहर्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज। रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज। रोजर पेनरोस, रेनहर्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को दिया गया। इसमें 50% रोजर पेनरोस को दिया जाएगा और बाकी के 50% इन दोनों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रोजर पेनरोस को क्यों दिया गया? जिस ब्लैक होल की घटना पर या जिस ब्लैक होल के बारे में आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था, उसका खोज रोजर पेनरोस के द्वारा किया गया। उस ब्लैक होल की चीज को और उसके रहस्यों का पता लगाने के बारे में 2020 में नोबेल पुरस्कार भौतिकी के क्षेत्र में रोजर पेनरोस को दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि आइंस्टीन को भी विश्वास नहीं था कि ब्लैक होल नाम की चीज होती है कुछ, उसके कुछ रहस्य हैं। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल एक ऐसी चीज है, ऐसी जगह है आकाशगंगा में जहां पे कोई पार्टिकल तो दूर, पार्टिकल मीन्स कोई भी ऑब्जेक्ट तो दूर, अगर लाइट भी उसके सीमा में, अगर लाइट भी उसके सीमा क्षेत्र में आ जाए तो वो उससे दूर नहीं जाती है, वो उसको खींच लेता है। तो यही है ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या है? एक ऐसी जगह है आकाशगंगा में जहां पे पार्टिकल ही नहीं बल्कि लाइट को भी, यानी इतनी ज्यादा ग्रेविटी है वहां पे, इतने ज्यादा गुरुत्वाकर्षण है कि लाइट ही, पार्टिकल ही नहीं बल्कि लाइट को भी अपनी ओर खींच लेता है। अब ये रेनहर्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज, इनको क्यों दिया गया? क्योंकि इन्होंने सबसे बड़ा दूरबीन को उपयोग कर हमारी आकाशगंगा के मध्य में सुपर मैसिव ब्लैक होल का होने का पता लगाया कि सुपर मैसिव ब्लैक होल है। और इसी के संदर्भ में रेनहर्ड गेंजिल और एंड्रिया गेज को 2020 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया। एंड्रिया गेज, जिसके बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, एंड्रिया गेज चौथी ऐसी महिला हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, फोर्थ वुमेन जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगर पहला फर्स्ट वुमेन के बारे में पूछा जाए कि फर्स्ट पहली वुमेन कौन थी जिसे नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो पहली वुमेन थी मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी, उन्हें 1903 में मैडम क्यूरी को पहली बार किसी महिला के रूप में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, एंड्रिया गेज चौथी महिला है। नेक्स्ट है हमारा चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार, नोबेल प्राइज इन मेडिसिन। ये तीन लोगों को दिया गया, कौन कौन से? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। कौन कौन से? हार्वे जे ऑल्टर, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स एम राइस। इसको हम याद कैसे करेंगे वो बाद में देखेंगे, पहले दिया क्यों गया वह देख लेते हैं। क्यों दिया गया? हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए, इन्हें हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। इन्होंने क्या खोजा? इनकी मदद से, इनकी खोज की मदद से सटीक परिणाम, इनकी खोज की मदद से रक्त से जन्म लेने वाले रक्त जनित हेपेटाइटिस सी के खिलाफ रक्त की जांच और नई दवाओं की खोज में मदद मिल सकती है या मदद मिली है। अब तक ए और बी के लिए तो बहुत आगे रिसर्च हो चुका था, लेकिन हेपेटाइटिस सी के लिए इस पर रिसर्च नहीं हुआ था। इस कारण से इस बार रिसर्च होने के बाद एक सटीक परिणाम मिल सकेगा और खून की जांच में जो उपलब्ध वायरस है उसके लिए नई दवाओं की खोज हो सकेगा, इसलिए इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में पुरस्कार दिया गया। ये रक्त जनित जो हेपेटाइटिस है वो इतना खतरनाक क्यों है? ये खतरनाक है क्योंकि
इसके कारण से सिरोसिस या एव और यकृत कैंसर होने की संभावना होती है, लिवर कैंसर होने की संभावना होती है। चलिए इसको याद कैसे रखेंगे, ऐसे बोल देना तो आसान होता है, इसको याद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसकी खोज क्यों हुई चिकित्सा के क्षेत्र में, हेपेटाइटिस सी के लिए, तो सी से ही हम लोग याद कर लेंगे। कैसे याद करेंगे सो देखते हैं अभी। ये देखिए हेपेटाइटिस सी के लिए हुआ है, तो ये सी है हेपेटाइटिस सी के लिए हुआ, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम यू टर्न कर देते हैं, यू टर्न कर दिया तो हमने ऐसे आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, एक राइस का दाना लेंगे और यहां लगा देंगे, ये लिया राइस का दाना, ये राइस का दाना एक लिया और यहां लगा दिया, ठीक है। यू टर्न किया हमने पहले, यू टर्न, उसके बाद एक राइस लिया और इसे लगा दिया। राइस लगाने के बाद ये कुछ एक साइज का हो गया, एक जैसा दिखने लगा, तो हमको क्या याद हो गया, हेपेटाइटिस सी के लिए है, सी का खोज हुआ चिकित्सा में, इसको हमने यू टर्न दिया यानी कि ह्यूटन, इसका कुछ इसी तरह से आवाज आ रहा है, ह्यूटन, फिर इसमें एक राइस लिए और यहां पे लगा दिए, तो राइस लेके इसको लगा दिए, ये एम राइस हो गया याद, और फिर राइस लगाने के बाद ये ए के जैसा दिखने लगा, तो ये ऑल्टर हो गया, हार्वेजे ऑल्टर। इस तरह से हम लोग याद रखेंगे नोबेल प्राइज इन मेडिसिन, तीन लोगों को दिया गया, हार्वेजे ऑल्टर, ए, माइकल ह्यूटन, यूटर्न याद रखेंगे, और चार्ल्स एम राइस। राइस क्या किया हमने, हेपेटाइटिस सी का जो सी है उसको यूटर्न करा दिया, एक राइस रख दिया उसमें, और फिर ये ऑल्टर यानी एक शेप में दिखने लग गया। नेक्स्ट है हमारा रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 में किसे दिया गया, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री। नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दो आदमी को दिया गया, कौन कौन से, इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डॉर्डना और इमैनुअल चारपेंटियर को रसायन के क्षेत्र में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया। इन्होंने क्या खोज किया, तो इन्हें क्यों दिया गया, जीनोम एडिटिंग के कारण इन्हें दिया गया, जीनोम एडिटिंग करने का तरीका इन्होंने खोजा। ये जीनोम एडिटिंग क्या होता है, जीनोम एडिटिंग यह होता है कि अगर कोई आदमी का पूर्वज की रूप रंग या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो उसको खत्म करने के लिए जीन के थ्रू यानी डीएनए के थ्रू उसको खत्म किया जाए, उस बीमारी को खत्म कर दिया जाए या उसमें कुछ इम्परफेक्टनेस था उसको खत्म किया जाए, यानी कि जो पूर्वज हैं उनसे उसकी समानता को खत्म करने के लिए जीनोम एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए जेनिफर डॉर्डना और इमैनुअल चारपेंटियर को रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये जीनोम एडिटिंग हमने बता दिया क्या है, इसके साथ डीएनए के साथ बहुत सारे बदलाव किया जा सकते हैं, ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किया जाता है और इसमें एक टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया, उस टेक्नोलॉजी का नाम है CRISPR-Cas9 नाम का एक टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया, जिसके द्वारा जीन का एडिटिंग किया जा सके और जो उसके पूर्वज हैं उससे बिल्कुल पूर्ण रूपेण अलग किया जा सकता है, जा सके नेक्स्ट जनरेशन को। इसलिए जीन एडिटिंग का तरीका खोजने के लिए रसायन के क्षेत्र में इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर डॉर्डना यानी डीएनए में चेंज करने के लिए, इसको हम ऐसे आसानी से याद कर सकते हैं कि डॉर्डना में डीएनए लिखा हुआ है, तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं कि केमिस्ट्री किसके लिए है और डीएनए में क्या, डीएनए को नष्ट किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है और मॉडिफाई किया जा सकता है, यानी कि अपने पूर्वजों की समानता से पूरी तरह अलग किया जा सकता है नेक्स्ट जनरेशन को। इससे फायदा क्या होगा कि जो भी बीमारी उसके पूर्वज को था वो
बीमारी को निकालकर और उस जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाला है उसको पूर्ण तरीके से स्वस्थ या सुरक्षित रखा जा सकता है। और याद करने का तरीका, हम लोग चार पेंटियर्स में सीएच है तो एक केमिस्ट्री से है रिलेटेड, और डीएनए की खोज किया गया था तो यहां डॉर्डना में डीएनए भी लिखा हुआ है। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2020 में किसे दिया गया। चारपेंटियर है सीएच केमिस्ट्री में, और डीएनए में चेंज करने का तरीका है इसमें, तो यहां डॉर्डना में डीएनए भी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है हमारा नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दो लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया, कौन कौन? पॉल मिलीग्राम और रॉबर्ट विल्सन और पॉल मिलीग्राम। देखिए, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था कब अच्छी होगी? जब वहां के लोगों में बहुत ज्यादा विल पावर होगा काम करने का, कुछ अच्छा करने का, तब। यानी कि एक तो विल पावर होना चाहिए, विल पावर, और दूसरा वहां पे ढेर सारी इंडस्ट्रीज होगी, फैक्ट्रीज होगी, यानी मिल होंगे बहुत सारे मिल होंगे, फैक्ट्रीज होंगे, इंडस्ट्रीज होगी, तो वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनके अंदर उत्साह आएगा, और उत्साह आएगा तो उनके पास विल पावर की जो शक्ति है वो मजबूत होगा। यानी कि एक मिल होना बहुत जरूरी है, मिल होगा और लोगों में विल पावर होगा। तो दो चीज हम याद रखेंगे, क्या होना चाहिए किसी देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने या सुदृढ़ करने के लिए? एक तो मिल होना चाहिए, फैक्ट्रीज होना चाहिए, इंडस्ट्रीज होना चाहिए, यानी मिल होना चाहिए, मिल, हम बार बार बोल रहे हैं मिल होना चाहिए, और दूसरा लोगों के अंदर विल पावर होना चाहिए। तो यही दो वर्ड है जो इस ये जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2020 में दिया गया है उसमें किन किन को दिया गया है उसको याद रखने के लिए। तो कौन है? पॉल मिलग्राम, यानी मिल है, जहां पे मिल होगा जिस देश में वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, और वहां के लोगों में अगर विल पावर बहुत अच्छा होगा, यानी रॉबर्ट विल्सन होंगे, यानी विल पावर होगा तो वो उस देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होगी। इससे दिया क्यों गया? दिया इसलिए गया क्योंकि उन्होंने ऑक्शन थ्योरी मतलब नीलामी की तरीकों को आविष्कार किया गया, नए तरीका आविष्कार किया गया नीलामी के क्षेत्र में, इसलिए इन्हें नोबेल प्राइज इन फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स 2020 दिया गया। मैं आशा करता हूं कि ये जितने भी छह प्रकार क्षेत्र में दिए जाते हैं नोबेल पुरस्कार, और इस बार जो दिया गया है 2020 में, उसे आप अच्छे से याद कर लिए होंगे। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।